नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 15 और 15 में कम्युनिटी सेंटर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहां इस कम्युनिटी सेंटर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं श्री विपुल गोयल, उनका आज जन्मदिन है और यहां इस कम्युनिटी सेंटर में जन्मदिन मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हैं, महिलाएँ पहुँची हैं और तुलसी वितरण दिवस के रूप में आज इस आयोजन को यहाँ किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे इस एक बार, थोड़ा सा इधर दिखा दें जरा, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्यों आई हो अम्मा? क्यों आई हो भैया? बुलाए नहीं आए। अच्छा, आप देख सकते हैं और तुलसी का वितरण यहाँ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तुलसी का वितरण यहाँ हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, तुलसी वितरण और बड़ी तादाद में, ये देखें आप, सांसें फाउंडेशन की ओर से हर घर तुलसी, हर दिल अजीज, जनप्रिय नेता श्री विपुल गोयल जी के जन्मदिवस पर तुलसी वितरण फिलहाल यहाँ हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और भीड़ कितनी है, लोग कितने यहाँ पहुँचे हैं जी, कितनी भीड़ यहाँ पहुँची है। भयंकर भीड़ फिलहाल आप देख सकते हैं फरीदाबाद। भैया आ जाओ। जय हो, कैसे हैं आप? बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और थोड़ा सा इधर आ जाएं जी, कितनी भीड़ यहाँ पहुँची है आप देख सकते हैं। और लगातार लोग पहुँच रहे हैं बधाई देने के लिए, पहुँच रहे हैं। हम तो आपके सारे से आगे हैं, महान मेले जी, ये देख सकते हैं आप। देखें आप, ये देखें फरीद, दे दिया आपने बधाई। ऑल इंडिया अग्रवाल समझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ। आप भी पहुंचे गुप्ता जी, कहाँ से आए आप? महम से, रोहतक महम। महम से आए हैं आप, बधाई देने आए जन्मदिन की तो दो यार गुप्ता जी, में आ जाओ फिर। गुप्ता जी का क्या नाम है आपका? वही ले लेना सामने, कोई बात नहीं है। क्या नाम आपका? दीपक गुप्ता है। दीपक गुप्ता जी हैं, नरेश नंबरदार हैं, आप पहुंचे हैं। और कहां से आए दीपक गुप्ता जी आप? मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट महम से आया हूं जी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट महम, क्या जिम्मेदारी है आप पर? मैं अग्रवाल समाज का वाइस प्रेसिडेंट हुआ ऑल इंडिया का। अच्छा, अग्रवाल समाज का, तो आप देख सकते हैं जी। नरेश जी, जी भाई साहब, माननीय मंत्री जी का जन्मदिन है, आप देख ही रहे हैं, हर वर्ष की भांति कार्यकर्ताओं के बीच में रहना जो है मंत्री जी की हैबिट एक तरह से, और कार्यकर्ताओं के बीच में जो है माननीय मंत्री जी इस जन्मदिन को सियासी तरीके से देखा जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अब विपुल गोयल जी लोकसभा के लिए टिकट मांगेंगे। देखिए, पत्रकार भाई जो है या जनता जो है वो कुछ भी आंकड़ा लगा सकती है। माननीय मंत्री जी का जन्मदिन है, बहुत लोगों में, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और राजनीति में पढ़ने का सभी को अधिकार है। वो हर व्यक्ति के डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना केलीवर है।
मांगने को तो मैं भी मांग सकता हूँ, सब मांगते हैं, तो ये पार्टी है, सब चलता रहता है। लेकिन आज माननीय मंत्री जन्मदिन है और सारे तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में आज माननीय मंत्री जन्मदिन मना रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं में आज खुशी का माहौल है। और आप देख रहे हैं कि भीड़ बता देती है कि भाई विपुल जी जनप्रिय नेता तो हैं ही, आप जानते ही हैं, जनप्रिय नेता तो हैं ही। और गांधी जी यहाँ मौजूद हैं, आरएस गांधी जी मौजूद हैं जी, और कह रहे हैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, अभी बधाई देने लेने का सिलसिला चल रहा है जी। और आप देख सकते हैं तमाम लोग, ये देखें आप, वो देखें, और केवल नीचे ही नहीं ऊपर भी, फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको जितनी गैदरिंग यहाँ है उतनी ही भीड़ फर्स्ट फ्लोर पर भी नजर आ रही है। आइए जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं भैया? आप भी पहुँचे हैं और देखें लगातार लगातार पहुँच रहे हैं गुलदस्तों के साथ। ओके ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में और हजारों की तादाद में लोग आज सेक्टर 15 पहुंच रहे हैं जी। सचिन जी कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार सौरभ जी। इस चुनाव को बड़ा राजनीतिक तरीके से, अभी ये जो बर्थडे पार्टी है इसको ऐसा कहा जा रहा है कि विपुल जी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेंगे भाजपा के टिकट पर। देखिए जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा मंत्री जी आगे करेंगे, तैयारी करना चुनाव की हर किसी का हक है। तो माननीय मंत्री जी काफ़ी दिनों से अब शांत बैठे थे, तो अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं जैसे कि, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी करने युवा मोर्चा के जिला क्या जिम्मेदार महामंत्री हैं हमारे साथ, सचिन ठाकुर जी हैं, बड़े नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। और आपको तमाम लोगों से जी, हमारे साथ शर्मा जी हैं, बात करेंगे उनसे। आज आप भी जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं? जी सर, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं बिल्कुल, और हम भविष्य देख रहे हैं सर, विपुल जी में भविष्य देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं जी। अच्छा, तो शोले बागपुर में भी महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल, भविष्य महसूस किया जा रहा है जी, क्लियर क्लियर महसूस किया जा रहा है। वो तो कार्यकर्ताओं ने तो नारा दे दिया है जी, जी, जी। विपुल ही विकल्प हैं जी, जी विकल्प हैं जी, बिल्कुल जी जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए जी, क्या बोलेंगे आज जन्मदिन पर? मैं भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और चाहता हूँ कि हरियाणा के सीएम बने जी, तभी हरियाणा का विकास हो सकता है जी। अभी जो हुआ नहीं, अभी तो वो एमपी के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो बात है, इस बार एमपी लड़ेंगे, उसके बाद एमएलए चुनाव आएंगे जी। देख सकते हैं तमाम उद्यमी यहाँ पहुंचे हैं जी, और ये देखें बड़ी तादाद में लोग यहाँ बर्थडे पार्टी में पहुंचे हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं गांव अजरौंदा से, बात करेंगे उनसे। विजय जी, अभी तो ये बर्थडे पार्टी को थोड़ा पॉलिटिकल माना जा रहा है। नहीं, ये विपुल जी ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। नहीं देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा पार्टी के आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा। रही बात आज जो जन्मदिन है, आज विपुल गोयल का जन्मदिन है और ये लोगों का प्यार है, जो हजूम है, जो दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली प्यार है, ये प्यार है, ये लोगों सब देख रहे हैं प्यार है, पर कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो संभावनाएं हैं वो राजनीतिक संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। मैं सौरभ जी आपकी बातों के बीच में इसमें नहीं फंस पाऊंगा, क्योंकि बड़े परिपूर्ण तौर पर यह है कि अगर आप लोग, मैंने आज सुबह आपका एक वो देखा जिसमें आपने लिखा था कि भाई विपुल गोयल लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं लिखा प्रत्याशी, मैंने तो लिखा क्या विपुल गोयल विकल्प हैं। तो देखिए, जब लोकसभा के लिए विकल्प, अगर आप जैसे बुद्धिजीवी अगर इस चीज को कहने लगे तो कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर विपुल गोयल आगे उभरेंगे। पूछा है हमने तो लोगों से, हम तो पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं जी। कुछ बोल रहे हैं आप भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं जी? हैप्पी बर्थडे विपुल भैया। राजनीतिक रूप से आप देख सकते हैं जी, शास्त्री जी हमारे साथ हैं और ज्योतिषी आधार पर बड़ी सटीक भविष्यवाणियां करते हैं इस शहर में शास्त्री जी, वीके शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी अभी क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो संभावना ये है कि अभी मैं जिस वो माहौल देख रहा हूँ इसमें विपुल जी का सम्मान और प्यार और लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। दूसरा ये कि हम हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं विपुल जी को जन्मदिन की, और बाकी रही बात है कि हमारे इलाके का विकास करने में तो बीजेपी ने और विपुल जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, इसलिए सब लोग खुश हैं और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भले लोग आगे आने चाहिए, अच्छे लोग आगे आने चाहिए। और
तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ, उद्यमी हैं, पत्रकार हैं, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, पत्रकार साथी भी मौजूद हैं जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया। और रुपेश देव जी भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। मैंने जैसा कहा कि हमारे पत्रकार साथी भी बड़ी तादाद में आज यहाँ पहुँचे हैं, जन्मदिवस पर शुभकामनाएँ देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और फरीदाबाद बात करेंगे जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बढ़िया हैं? चलो लो भैया कुछ। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको, ये देखें थोड़ा इस तरफ भी आ जाएं जी, ऊपर भी दिखाते हैं आपको। अभी फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएंगे हम लोग यहाँ से लाइव हैं। और जय सिंह जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जय सिंह जी। राम राम जी। राम कैसे राम। हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। इस ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, जन्मदिन चल रहा है, इसको बड़ा राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है इस बार। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसका कारण ये है कि भाई अपना विपुल भाई अपना हर फंक्शन को, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो घर में पाठ हो, चाहे गणेश उत्सव हो, उसको वो उसी एक समाज के नरिए से, एक समाज के दायरे से और एक घर के ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ से विपुल जी तैयारियां, लोकसभा की तैयारियां शुरू करेंगे और भाजपा में लोकसभा के लिए टिकट मांगेंगे। आप ये कह सकते हैं उनका हक है, क्योंकि उस साथी ने सबके दिलों को अपनी रूह से जीता है। तो वो एज ए MLA भी कवर कर सकते हैं, एज ए MP भी कवर कर सकते हैं, जैसे पार्टी आदेश देगी, पार्टी जिस रूप में टिकट देगी, उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भाई हर पल तत्पर और तैयार है। और आज उनका जन्मदिन है 25 अप्रैल 1972, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने तारीख भी बता दी, आपने आपने उम्र भी बता दी। कि हमने तो हर पल उसको हर चीज को बताने की कोशिश करेंगे जो उसके हद में उसके लिए अच्छी साबित होगी, उसमें दुआएं भी है और हर चीज आएगी भाई उसमें। और जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो दो लाइनें भी उनको उस लाइन में जन्मदिन के रूप में सुना सकता हूँ, ताकि वो एक अलग सा रूप हो जाए जी। कुलदीप जयसिंह जी हमारे साथ थे, और अभी आपको लगातार हम लोग यहाँ हैं, आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं आपको लोगों से। बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं, बधाई देने के लिए पहुँचे हैं, और ये देखें आप, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, यहाँ आई हैं महिलाएं। और जितनी भीड़ नीचे है उतनी ही भीड़ ऊपर भी है, ये देख सकते हैं आप। जी ये देखें, नीचे भी हॉल पूरा भरा है, ऊपर भी हॉल खचाखच है, देख सकते हैं आप फरीदाबाद। तुलसी वितरण का कार्यक्रम, ये देखें आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, वृद्धाएं पहुंची हैं जी। और ये देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी तादाद है, आपको दिखाएंगे फरीदाबाद। लगातार लोगों का आना जाना जारी है, और क्या बोलेंगे अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, वो भी आपको सुनवाएंगे। ये देखें बहुत बड़ी तादाद में लोग लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ,
हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से। शहर के धन कुबेर भी यहाँ पहुँचे हैं और एकदम निराश्रित महिलाएं वो भी यहाँ पहुँची हैं अपने लोकप्रिय नेता के जन्मदिन के अवसर पर। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद विपुल गोयल लोकसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता को और बढ़ा देंगे और जी कैसे हैं आप? बस ठीक हो। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया जी, मेहरबानी। आप बधाई देने आए हैं? हाँ जी, भाई साहब को बधाई देने आए। बहुत भीड़ है आज? हाँ जी, भीड़ तो अब आगे आगे बढ़ेगी जी, भीड़ ने आगे आगे बढ़ना है। और आर के चलाना जी पहुंचे हैं, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, भीड़ आप देख ही रहे हैं फरीदाबाद। ये देखें, और मालाओं से बार बार कंठ लद जाता है, गला भर जाता है और फिर उतारनी पड़ती हैं। फूलों के गुलदस्ते लगातार। सीमा भारद्वाज जी पहुंची हैं गुलदस्ता लेकर, देख सकते हैं आप। भैया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे भैया को, गॉड ब्लेस यू भैया। भैया ने हमेशा इसी तरह के खुशियां लोगों के लिए इकट्ठी करते रहते हैं भैया, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, राधा, कोई भी फंक्शन हो, भैया दूज हो, हमेशा भैया ने इसी तरह के प्रोग्राम करे हैं और बहुत अच्छा लगता है भैया के यहाँ पे आके, एक अपनापन सा फील होता है। और ये देख सकते हैं आप, लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। पत्रकार साथी हैं बड़ी तादाद में, शकुन रघुवंशी जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे शकुन जी से। शकुन जी, इस जन्म दिवस को ऐसे भी देखा जा रहा है कि अब विपुल गोयल राजनीतिक सक्रियताएं जो हैं उन्हें पलवल तक और बढ़ा देंगे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में और लोकसभा के लिए टिकट मांगेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर एक राजनीतिज्ञ जो है वो जीवन भर राजनीतिज्ञ रहता है, और विपुल गोयल के बारे में भी कहा जाता है कि भाई वो एक शोमैन है, और पिछली बार जैसे उनका जिस तरह से उनको घर बिठा दिया गया था तो वो ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन के मूड में है ऐसा दिख रहा है, और वो लोकसभा में शायद खम्भ ठोकेंगे, दावा तो ठोकेंगे, बाकी पार्टी का नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा, पार्टी का नेतृत्व जो चाहेगा वो। और ये लगातार केक कट रहे हैं, लगातार केक कटने का सिलसिला जारी है, ये देख सकते हैं आप। कई दर्जन केक आज यहाँ कटेंगे, गुलदस्ते असंख्य यहाँ पहुँचेंगे, असंख्य मालाएं विपुल गोयल के गले को सुशोभित करेंगी, देख सकते हैं। और बार बार है, हाँ, राजकुमार राज जी पहुंचे हैं, टीम के साथ पहुंचे हैं राजकुमार राज जी, जी। और बात करेंगे राजकुमार राज जी से। राज जी, इस जन्मदिन को ऐसे समझा जा रहा है कि इस जन्मदिन के बाद विपुल जी पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे, अपनी सक्रियताओं को और बढ़ा देंगे और लोकसभा के लिए इस बार टिकट मांगेंगे। देखिए सौरभ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरी बात, अभी आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि विपुल जी लोकसभा के लिए सक्रिय हो जाएंगे। देखिए,
लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो। सक्रिय तो है, सक्रियता बढ़ा देंगे। लोकसभा में फरीदाबाद क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में विपुल जी हर विधानसभा के अंदर सक्रिय हैं और जन जन जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। और आज के बाद जो अभियान होगा हमारी पूरी लोकसभा में हम जाकर अपने प्रोग्राम करेंगे और विपुल जी को मजबूत करेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं और उनके भाग्य में लिखा है पार्टी चाहती है चुनाव लड़ना, तो वो जरूर लड़ेंगे। पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और समझे फरीदाबाद, अभी से 350 दिन बचे हैं लगभग चुनाव में, तो ये जो इलेक्शन का जो आगाज है वो लगभग हो गया है। वहाँ कहीं उस ओर करण दलाल भी कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और वो लगातार अपने आप को इस पूरे इलाके में सक्रियताएं उन्होंने भी बढ़ा दी हैं। जी देखिए, करण दलाल जी भी एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका भी अधिकार है लोकतंत्र में कांग्रेस से टिकट मांगने का। और हम तो चाहेंगे करण दलाल भी लड़ें और जिस आदमी ने चुनाव लड़ना है लोकसभा का उसको लड़ना चाहिए। और लड़ने के बाद अगर उसके भाग्य में राजयोग लिखा है और जो जन जन का प्रिय होगा जीतेगा वही। और आज आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में विपुल जी की एक छोटी सी कॉल थी जिसपे उनका जन्मदिन था, उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया, उनके कार्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया कि आपने आना है और जन्मदिन पर मुबारकबाद देनी है। और आज पूरा फरीदाबाद यहाँ पर उमड़ पड़ा है, ये उनकी लोकप्रियता आप देख रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ जारी है। और फरीदाबाद, सबसे खास बात ये कि पिछले 4 साल में अब जिस तरीके से राजनीतिक रूप से टिकट काटा गया, जिस तरीके से वो जो एक पूरी सियासत हुई, उस सियासत के बाद भी लोगों ने, हमने जब जब भी पोस्ट डाले तो लोगों की आवाज़ आती थी कि विपुल के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और विपुल को वो मिलना चाहिए जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उन्होंने अपने हिसाब से फैसला किया। लेकिन विपुल जी का सबसे बड़ा बड़प्पन ये था, आपने देखा होगा बहुत से नेता टिकट कटने के बाद इधर उधर पार्टियों में भाग जाते हैं। विपुल जी ने एक संकल्प लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का मैं कार्य करूंगा। और उसी हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं टिकट कटने की सहानुभूति सौरभ जी जो शुरू से रही और वो आज भी लोगों के दिलों में घर कर चुकी है कि विपुल जी जैसा जनप्रिय लोकप्रिय नेता पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई नहीं। ये जो समर्थकों ने ये एक नारा दिया है, विपुल ही विकल्प हैं। देखिए, राजनीति के अंदर जो जनमानस होता है और जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ नेता सौरभ जी, वो लोगों के दिलों में बसता है। और लोगों की ये चाहत है कि विपुल जी चुनाव लड़ें। अगर लोगों की महत्व देखिए, ये देखिए कितना इतना और लोगों की ये इच्छा है कि विपुल जी लोकसभा का लड़ेंगे तो जब भी पूरा फरीदाबाद उनके साथ रहेगा, अगर पार्टी विधानसभा का लड़वाएगी तो विपुल जी के साथ जब भी लोग रहेंगे। जब भी रहेंगे मतलब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी लोग उसमें साथ रहेंगे। देखिए, पार्टी ने, आपने पिछली बार भी देखा कि पार्टी ने जिस तरह से टिकट काटा, हो सकता है कि पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती वो पार्टी का सोचना बनता है, लेकिन विपुल जी जन जन के चहेते हैं और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कोई भी विधानसभा हो विपुल जी वहाँ छाए हुए हैं और प्रिय नेता हैं छाए हुए हैं। और आपको दिखाएंगे, बाहर पहुँच गए हैं, ढोल नगाड़ों के बीच पहुँच गए हैं और ये वेद पाठी बच्चे हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? गुरुकुल मंधावली से। गुरुकुल मंधावली के छात्र भी यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, आप लगातार आपको दिखा रहे हैं हम, व्यवस्थाएं बनाने का कार्यक्रम जारी है। ये देखें अरे भाई साहब, यार पूरा ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और ये देख सकते हैं आप लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लगातार जो
पूरी इलेक्शन की सी भीड़ नजर आ रही है जी। हमारे साथ हैं, बात करेंगे। विपुल गोयल जी, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे उनसे जी। विपुल जी, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग फरीदाबाद जुटा है आज यहाँ, ये लोगों का प्यार है। विपुल गोयल इनका ऋणी था, ऋणी है, और विपुल गोयल का रोम रोम फरीदाबाद के लोगों का ऋण नहीं उतार सकता। हर उम्र हर आयु वर्ग के लोग यहां पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए। देख सकते हैं, और आशीर्वाद लेकर, वृद्धाओं का आशीर्वाद लेकर देखें, नाचते गाते खिलखिलाते लोग यहाँ हैं जी। और अभी बहुत व्यस्तता है बात करने के लिए, लेकिन बात करेंगे, विपुल जी से बात करेंगे। कैसे हैं आप? जनता की उमंग देखो कितनी है, ऊपर ऊपर जी। दीपक गुप्ता जी पहुँचे हैं, डब्बू जी यहाँ पहुँचे हैं, और देख सकते हैं। और फरीदाबाद थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दें, उस ओर दिखा दें, बात करेंगे। विपुल जी, अभी चर्चा ये है कि विपुल गोयल जी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में ठोकेंगे। विपुल गोयल पिछले 9 साल से जब से राजनीति में, हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहा है, उससे पहले सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहा है। और रही लोकसभा और विधानसभा की बात, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी, कि किस व्यक्ति को कब क्या चुनाव लड़ाना है वो तय करती है। लेकिन जनता का प्यार और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा तो विपुल गोयल लोकसभा लड़ेंगे। विपुल गोयल लोकसभा लड़ेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और जनता का प्यार रहा तो विपुल गोयल लोकसभा लड़ेंगे। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ये कहकर विपुल गोयल ने अपनी वाणी को विराम दिया है। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।